हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय गार्डनिंग चैनल। मैं तृष्णा और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ दोबारा से आपके अपने इस गार्डनिंग के यूट्यूब चैनल में। दोबारा से इसलिए क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी दिनों के बाद मैंने ये आज गार्डनिंग का वीडियो अपलोड किया है और मैं आपसे अपना गार्डन इस समय कैसा दिखता है ये मैं शेयर करूँगी। क्योंकि 2 महीने काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक रहे। यहाँ मौसम जो है दोस्तों इतना ह्यूमिड था, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और पौधों की देखभाल करना मुश्किल से 1-2 घंटे ही मैं पौधों की देखरेख कर सकती थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी यहाँ पे। और मौसम जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ बारिश भी अभी काफ़ी कम हुई है और अभी जो आखिरी में सितंबर का आखिरी जो ये चल रहा है, अभी ये 2-3 दिन बारिश इतनी अच्छी हुई है जिस वजह से आप देख सकते हैं पौधे जो है बिल्कुल खिल उठे हैं। तो इस वजह से मैं कोई भी वीडियो अभी बीच में डाल नहीं पाई। तो जैसे आप देख सकते हैं अभी सर्दियों के मौसम में काफ़ी सारे ऐसे फूल, काफ़ी वैरायटी के फ्लावर्स होते हैं जो आप अभी इस समय सीड से ग्रो कर सकते हैं, पौध भी मिल जाती है। तो काफ़ी सारे फूल आप सर्दियों में ज़रूर लगाएं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं सर्दियों के फूल। और एक्सोरा जैसा आप देख सकते हैं, काफ़ी इसमें मैंने कटिंग्स जो है पिछले 2 महीने पहले ही मैंने इनकी कटिंग्स मैंने इसी गमले में कट करके डाली थी, जो बहुत अच्छे से रूट्स इनकी आ चुकी है इनमें और ग्रो भी कर रहा है। और जैसे गुलदाउदी आप देख सकते हैं, मैंने पिछले दो वीडियोस मैंने इसके अपलोड किए थे, अगर आपने देखे होंगे तो, जिसमें आपको दिखाया मैंने कि इनको कटिंग से कैसे ग्रो करना है। और इस समय अगर आपको गुलदाउदी मिलती है तो आप अभी भी ले सकते हैं, पर वो थोड़ा जो फ्लावरिंग जो होगी उनमें वो थोड़ा लेट होगी। तो गुलदाउदी के पौधे आप देख सकते हैं कम से कम मेरे पास 25-30 गमले हो चुके हैं और एक वैरायटी के मैंने 4 गमले भरे हैं। और इन्हें आपको बस फ्रेंड्स एक ही ध्यान रखना है अभी फ़िलहाल, कि आप इनको कट करते जाए, जो ऊपर जो नई लीव्स आती है उनको आप कट करते जाए ताकि नई ब्रांचेज उनमें आए, और नए ब्रांचेज आएंगे तो फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा होगी। और एक गमले में जैसा आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे बुके जैसा दिखता है, ग्रीन ग्रीन सा पौधा ना, तो बहुत खूबसूरत दिखता है। तो आप जब भी इनकी लीव्स आएगी इन्हें आपको कट करते रहना है, और अक्टूबर तक आप 15 अक्टूबर तक इन्हें आप ऐसे ही कट करते रहे। और अगर आपको लगता है कि इनमें कोई फंगस लग रहा है इन पौधों में, या कोई कीड़े, वाइट से कीड़े भी इनमें लग जाते हैं कभी कभी आप देखते होंगे, तो नर्सरी में बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है एक पेस्टिसाइड लिक्विड का, उन्हें उसे आप खरीद के इन पौधों को में स्प्रे कर सकते हैं वो इंसेक्ट्स के लिए। तो ये काम आप ज़रूर करें और देखते रहे, चेक करते जाए अपने पौधों में कोई कीड़ा तो नहीं लग रहा है। तो गुलदाउदी के और भी अपडेट्स मैं दूंगी अगले वीडियोस में। और लिली जो बल्ब्स मैंने लगाए थे, अभी तो बरसात की वजह से ये थोड़े से डल से हो गए हैं, पर फूल बहुत खिले थे इनमें। कोचिया का भी अभी सीज़न जैसे चला ही गया है, अभी इनमें सीड्स आएंगे तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए मैं उन्हें स्टोर करके रखूँगी। ओलियंडर में भी काफ़ी सारे फूल खिल चुके थे येलो कलर के, हिबिस्कस अभी भी इनमें फूल खिल रहे हैं और सदाबहार है। और एक ये लिली है फ्रेंड्स, एक प्याज जैसा मैंने इस बल्ब भी लिया था और आप देख सकते हैं इनका, इसका जो फूल है बहुत ही प्रिटी खिला हुआ है। ये भी अभी बरसात की वजह से इसकी जो स्टिक है ये अभी गिरने लगी है, पर फूल आप देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो इसे भी मैं दूसरे अभी दूसरे गमले में इसे शिफ्ट कर दूंगी। और काफ़ी सारे जो पौधे, जो छोटे छोटे पौधे जो लगे थे अभी काफ़ी ग्रो हो चुके हैं हैंगिंग बास्केट्स में, तो इन सब को अभी कटिंग करने का टाइम आ गया है। इन सब को कट करके मैं उसी गमले में ऊपर से इनको रख दूंगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी इसे कैसे करना है। और सदाबहार के भी फूल अभी खिल रहे हैं तो इसे मैं एज़ इट इज़ रहने दूंगी, बहुत ही प्यारे लगते हैं ये गुलाबी कलर के। और अगर आपके पास काफ़ी सारे रोज़ेस की वैरायटी है, गुलाब की वैरायटी है, तो उनको आप अभी पूरा कट कर दीजिए, 1 फुट ज़मीन के ऊपर, 1 फुट
रहने दीजिए और उसके ऊपर आप पूरा कटिंग कर लीजिए, ताकि इनमें नई ब्रांचेस आएगी और फूल भी काफ़ी खिलेंगे। तो ये सही समय है कि आप गुलाब की कटिंग कर ले। मनी प्लांट्स भी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो चुके हैं और बेगोनिया जैसे आप देख सकते हैं फूल, अभी जैसे ही मौसम चेंज हुआ तो फूल भी इसके काफ़ी अच्छे खिल चुके हैं, क्योंकि गर्मियों में ये बहुत ही छोटे छोटे इनमें फूल खिलते थे। तो और जो जेड प्लांट जो है, इसे मैंने काफ़ी संभाल के रखा पूरी गर्मियों में, जो जिन गमलों में जो बड़े बड़े पौधे थे उनके बीच में ही मैंने छोटे छोटे गमले रख दिए थे, ताकि छाया से ये बचे रहे। तो जेड प्लांट भी बहुत ही अच्छे से अभी चल रहा है। कसावा प्लांट है और ये टैंगल हार्ट है। टैंगल हार्ट भी मैंने बहुत ही एक ही जैसे वो जो ब्लैक पॉलिथीन की बैग होती है उसमें ही मैंने इसे लाया था नर्सरी से, और अब मैंने इसको चार गमलों में मैंने डाल दिया था, और अब आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से ग्रो हो रहा है। इसको भी अभी कटिंग करने का टाइम आ गया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, पर ये बहुत खूबसूरत भी दिख रहा है। तो थोड़े दिनों के बाद मैं इसकी कटिंग करूँगी। काफ़ी सारे जो पॉट्स मैंने बनाए थे उनमें जैसे आप देख सकते हैं ये हेज प्लांट, ये वॉन्डरिंग ज्यूस मैंने कटिंग डाली थी, तो ये भी बहुत अच्छे से ग्रो कर गए हैं और पॉट्स भी काफ़ी अच्छे दिखते हैं। मदर ऑफ थाउजेंड्स भी मैंने अपने फ्रेंड के यहाँ से बिल्कुल छोटा सा पौधा मैंने लाई थी, और मुझे लग नहीं रहा था कि ये सर्वाइव करेगा, पर काफ़ी अच्छे से ये खिल चुका है, ग्रो कर रहा है। और हिबिस्कस जैसा आप देख सकते हैं काफ़ी सारी वैरायटी है। कोलस भी काफ़ी पौधे ग्रो हो रहे हैं, ग्रो हो चुके हैं, तो इनको भी अभी मैं थोड़े दिनों के बाद इनको कटिंग कर दूंगी। इनकी जितने भी पौधे कोलस के हैं इन सब को मैं कट कर दूंगी नीचे से। और क्रोटन्स तो एवरग्रीन ही है अभी, पर जो सर्दियों में इनके पत्ते जो है वो झड़ जाएंगे। तो ये रहा फ्रेंड्स मेरा गार्डन, और अभी इसे सेट करने के लिए अभी थोड़ा और टाइम लगेगा। तो आप भी अपने गार्डन का ध्यान रखें और गमले आप तैयार करके रखें। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।